वेलकम टू द चैनल ज्ञापन एकेडमी। यह वीडियो नॉन हिंदी का है, लेसन 17, जो कि एक कविता है और इस कविता के लेखक हैं अरुण कमल। देखिए यहाँ पे हम लोग लेखक का नाम कैसे याद रखेंगे, अरुण कमल, और कमल एक फूल है और ये जो फूल है, फूल तो देता है खुशबू, तो याद रखिएगा कि कमल और खुशबू, कमल से रिलेटेड है खुशबू, क्योंकि एक फूल है तो खुशबू रचते हाथ के लेखक अरुण कमल जी हैं, यानी कि कमल जी हैं, याद रखिएगा। ठीक है, इस कविता में आखिर क्या बात बोला गया कि जो खुशबू है वो हमारे, मतलब खुशबू रचते हैं हाथ, हाथ हमारा खुशबू कैसे बनाता है देखते हैं यहाँ पे। ठीक है, कई गलियों के बीच, कई नालों के पार, कूड़े करकट के ढेरों के बाद, बदबू से फटते जाते इस टोले के अंदर। ठीक है, यहाँ पे खुशबू रचते हाथ, खुशबू रचते हाथ कहा जा रहा है कि जो हम लोग खुशबू वाले, जितने भी खुशबू वाले चीज़ बनाते हैं, ठीक है, वो चीज़ कहाँ बनता है, वो एक गरीब आदमी बनाता है। ठीक है, जो जितने भी बड़े बड़े लोग हैं, ठीक है, वो जितने भी परफ्यूम वगैरह यूज़ करते हैं, आखिरकार वो कभी जानने की कोशिश किए हैं कि वो किस टाइप के हाथ बना रहे हैं? क्या वो रईस लोग ही बना रहे हैं? नहीं, वो भी कहीं पे गरीब लोग ही बना रहे हैं। कैसे? तो गलियों में, ठीक है, जहाँ पे देखिएगा परफ्यूम वगैरह बनता है, ठीक है, वहाँ पूरा का पूरा कचरा सा होता है। ठीक है, अब ये जान करके आप परफ्यूम लगाना मत छोड़िएगा, परफ्यूम शुद्ध रूप से बनता है, लेकिन बनाने वाले जो व्यक्ति हैं वो काफ़ी गरीब होते हैं। ठीक है, काफ़ी मतलब झोपड़ी में रहते हैं, तो ये याद रखिए, मजदूर लोग होते हैं। कई नालों के पार, ये जो भी यहाँ पे लिखा है, फिर भी क्या, खुशबू रचते हैं हाथ, और वही गरीब के हाथ परफ्यूम बनाते हैं। ठीक है, और खुशबू रचते हैं हाथ, देखिए यहाँ पे उभरी नसों वाले हाथ, उभरी नसों वाले हाथ का मतलब हाथ का पूरा नस नस बेचारे लोगों का दिखाई देता है, इतने वो गरीब होते हैं। ठीक है, और वही हाथ खुशबू बनाते हैं, परफ्यूम बनाते हैं, अलग अलग प्रकार का सुगंध देने वाला अगरबत्ती बनाते हैं। ठीक है, और वही लोग, अमीर लोग क्या करते हैं, यूज करते हैं, लेकिन बनाने वाले व्यक्ति, ठीक है, काफ़ी गरीब होते हैं, उनके नसें हाथ में दिखाई देती है। ठीक है, घिसे नाखून वाले हाथ, नाखून घिस जाता है काम करते करते, पीपल के पत्तों से नए नए हाथ, यानी कि एकदम कोमल जो पत्ता होता है, वैसे छोटे छोटे बच्चे भी ये काम करते हैं। ठीक है, जूही की डाल से खुशबूदार हाथ, और जूही का जो डाल होता है उससे भी खुशबू देने वाले हाथ होते हैं। गंदे कटे पीटे हाथ, हाथ कटा पीटा भी होता है, कहीं इधर कट जाए कहीं उधर पड़े, गरीब का हाथ में हमेशा चोट लगते रहता है, उसके लिए वो कॉमन बात होती है, लेकिन अगर छोटे से रईस के बच्चे को अगर चोट लग जाए तो पूरा का पूरा बवाल खड़ा हो जाता है। ठीक है, तो गंदे कटे पीटे हाथ है, फिर भी वो परफ्यूम हम लोगों के लिए, यानी जितने भी रईस लोग हैं, आप लोग हैं, अगर आप रईस फैमिली से बिलोंग करते हैं तो आप लोग भी इसमें आ जाएंगे। ठीक है, जख्म से फटे हुए हाथ, ठीक है, खुशबू रचते हाथ, जितने भी हाथ हैं, जख्म से फटा हुआ हो, हाथ कटा हुआ हो, ठीक है, ये सब जितने भी हैं, ये सब अगर किसी फैक्ट्री में काम करते हैं, जो खुशबू बनाने का काम करता है, ठीक है, तो ये सब गरीब लोग हैं। क्या हम लोग जब उनके बारे में सोच रहे हैं, हम लोग जो मजदूर, मतलब मिडिल क्लास के फैमिली के हैं, और ये लोग जब गरीबों, जितने भी गरीब लोग हैं, अमीर के बारे में सोच रहे हैं, तो उन्हें भी हमारे बारे में ज़रूर सोचना चाहिए। ठीक है, अब देखिए, यही इस गली में बनती है मुल्क की मशहूर अगरबत्ती, उसी गली में जहाँ पे लोग काफ़ी घिसे पीटे हैं, जिसका नाखून टूटा हुआ है, ठीक है, हाथ कटा पीटा है, उसी गली में खुशबूदार एक बहुत ही बढ़िया अगरबत्ती बनती है, मुल्क यानी देश, ठीक है, देश की अगरबत्ती। इन्हीं गंदे मोहल्ले के गंदे लोग बनाते हैं केवड़ा, उसी मोहल्ले का बात हो रहा है, गरीब जो है, ठीक है, केवड़ा एक प्रकार का खुशबूदार फूल है, ठीक है, गुलाब बनाते हैं, ठीक है, यहाँ पे खस बनाते हैं, रात रानी भी एक खुशबू देने वाला, एक क्या बोलते हैं उसको, फूल कह सकते हैं, ठीक है, जो बहुत खुशबू देता है, ये सब बनाते हैं, खुशबूदार अगरबत्ती बनाते हैं। दुनिया की सारी गंदगी के बीच अगर देखा जाए तो दुनिया की सारी गंदगी के बीच दुनिया की सारी खुशबू है। बताइए, आप सोच सकते हैं कि दुनिया के जितनी भी गंदगी वाला इलाका है उसमें बड़ा बड़ा काम हो रहा है, यानी सभी गंदगी में यहाँ पे क्या है, खुशबू है। उसी तरह रचते रचते हैं हाथ, यानी खुशबू रचते हैं हाथ, खुशबू रचते हैं हाथ। ये कविता उतना ही इंपॉर्टेंट नहीं है आपके एग्जाम के लिए, ठीक है, बस ये लेसन में दिया था तो रेगुलरिटी के हिसाब से हम 17 लेसन बना दिए, तो उम्मीद करते हैं कि कविता समझ में आया होगा। तो फिर मिलेंगे अगले लेसन में, लेकिन आप लोग अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगला जो मैराथन वीडियो आपका आने वाला है मल्टीपल चॉइस, उसके लिए आप इंतज़ार कीजिए। तब तक के लिए जय हिंद।